तो जैसे कि आपको पता है मार्केट में नई मूवी लगी है गूंजा, तो इस मूवी के हम कहानी देखेंगे। चलो मुंजा हॉरर लेजेंड हॉरर स्टोरी। कहते हैं कि जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, जहां रोशनी है वहां अंधेरा भी है, वैसे ही अगर देव है तो असुर भी। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक असुर की कहानी लेकर आया हूं जिसे मुंजा कहते हैं। रिसेंटली मैंने एक नई मूवी मुंजा का ट्रेलर देखा जिसे देखकर मैं बड़ा इंप्रेस हो गया। पहले तो मुझे लगा ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन जब मैंने मुंजा के बारे में मुझे पहले भूतों से डर लगता है, तो चलो तब भी देखते हैं। रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि वो कितना भयानक है। ये कहानी अभिनव और जय की है, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए थे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज अभिनव का 18th बर्थडे था। जय ने अभिनव के बर्थडे के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच रखा था। वो अभिनव को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया। पर 12 बजते ही जय ने अभिनव को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अभिनव वो बोतल देखकर थोड़ा चौंक गया। आज से पहले उन दोनों में से किसी ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। जय ने अभिनव से कहा कि ये उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन का ही एक हिस्सा है। अभिनव भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए उसने जय की बात झट से मान ली। वो दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक बैठकर शराब पीते रहे। कुछ देर बाद जय को जोर से टॉयलेट आ गया। वो उठकर एक पेड़ के पास टॉयलेट करने चला गया, लेकिन नशे में धुत 12 बजे तो मैं निकला तो मेरी फट जाएगी पूरी। जय ने ये देखा ही नहीं कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक पीपल का पेड़ था। टॉयलेट करते हुए अचानक से जय के सर पर एक पत्थर आ पड़ा। जय ने पेड़ की तरफ सर उठाकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। इतने में अभिनव भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी और उसने मजाक में उस बोतल को जोर से जय के पास फेंका। वो बोतल सीधा उस पीपल के पेड़ पर जा लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पर उस बोतल के पेड़ पर लगते ही एक अजीब सी आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। एक मिनट के लिए अभिनव और जय दोनों ही शांत हो गए। पेड़ कौन सा भी हो, लेकिन उसके सामने उसके नीचे मुतना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि पेड़ के नीचे मुतना नहीं चाहिए। कुछ ही पलों बाद वो आवाज आना बंद हो गई। तभी अचानक से जय ने नीचे पड़े टूटे हुए कांच के टुकड़ों में से एक पीस उठाया और उस पेड़ के तने पर कांच के टुकड़े से अपने और अभिनव के नाम के फर्स्ट लेटर्स लिख दिए, ए जे। जय ने पेड़ पर उस कांच को खरोचते हुए कहा, अभिनव अब ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। उसके इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही सेकेंड्स में एक बड़ी सी टहनी सीधा आकर जय के सर पर गिरी और जय वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर अभिनव का नशा मानो एक सेकंड में चूर हो गया। वो जल्दी से जय के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभिनव को अपने पीछे से एक आवाज आई, मानो पेड़ से कुछ नीचे गिरा हो। अभिनव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली सी परछाई थी जिसकी दो नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अभिनव को अपनी नजरों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभिनव को लगा कि जो भी उसके पीछे है वो कोई ना कोई सुपर नेचुरल क्रीचर है। वो जैसे ही उस जीव से दूर जाने के लिए भागा, उस जीव ने उस पर हमला कर दिया। उसके बड़े बड़े नाखून अभिनव की पीठ में घुस गए, लेकिन चीखता हुआ अभिनव जैसे तैसे उस जीव की पकड़ से छूटा और वहां से दूर भाग गया। दूर जाकर अभिनव ने देखा कि वो जीव एक काली परछाई में बदल गया है।
और वो बेहोश पड़े जय के मुंह के अंदर घुस गया। और तभी अचानक जय अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। अभिनव दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था, पर जय मानो सुन होकर एक ही जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थीं और वो बस वहां एक पुतले की तरह खड़ा था। तभी अचानक से जय जमीन की तरफ झुका और उसने वहां पर पड़े टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट फाड़ कर अपनी छाती पर उसी कांच के टुकड़े से वो ए जे लिखने लगा। ठीक वैसे ही जैसे उसने उस पीपल के पेड़ पर लिखा था। ये सब देखकर अभिनव की रूह कांप गई थी। सुबह के 5 बज चुके थे और समुद्र के ऊपर से अब सूरज उगता दिखने लगा था। जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी गई, जय अचानक से होश में आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने साथ हुई कोई भी चीज याद नहीं थी और वो अपने सीने पर बने घाव को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसके बाद वो दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस दिन शाम होते ही जय की तबीयत खराब होने लगी। जय अपने बिस्तर पर लेट तो गया, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से उस जीव की शक्ल निकल ही नहीं रही थी। तभी जय को अपने कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। आवाज ठीक वैसे ही थी जैसी उन्हें कल उस पेड़ के पास से आ रही थी। जय इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और चादर को अपने मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों बाद वो आवाज आना बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा हो गया। जय का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने चेहरे से उस चादर को हटा लिया। लेकिन जैसे ही चादर को हटाकर जय ने अपनी आंखें खोली तो उसके दिल की धड़कनें लगभग रुक ही गईं। उसके कमरे की छत पर वही जीव बैठा था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वो जीव एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले कि जय कुछ कर पाता, उस भयानक राक्षस ने जय पर अटैक कर दिया। उधर अभिनव बहुत घबराया हुआ था। जब उसके पापा ने उससे उसके घबराहट की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ पिछली रात क्या हुआ था। अभिनव के पापा शहर के माने जाने वाले पंडित थे, लेकिन अभिनव की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे अभिनव और उसके दोस्त जय के ऊपर मुंजिया का साया आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुंजिया एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। मुंजा एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है, और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वो उस इंसान के पीछे पड़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त अभिनव और जय को लेकर उस पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिया। रात को अभिनव और उसके पापा जय के घर पहुंचे, पर वहां जो उन्हें दिखा उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। जय की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से देखा हो। अभिनव के पिता ये देखकर चिंता में आ गए। वो अभिनव को लेकर फौरन उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और अभिनव के पिता ने उसी समय उस पेड़ के सामने एक छोटी सी पूजा करके उस मुंजा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। वो कई घंटों तक पूजा करते रहे और उस मुंजा से माफी मांगते रहे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वो दोनों अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से अभिनव को कभी वो मुंजा नहीं दिखा, लेकिन अभिनव ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। आज भी अभिनव शराब को हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से कभी नहीं गुजरता।
दोस्तों मुंजिया बहुत ही खतरनाक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मुंजा फिल्म देखने के लिए जरूर जाओ। मुंजा रिलीज हो गई है।